दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारे सौरमंडल का 99% द्रव्यमान सूर्य का है और बचा हुआ 1% बृहस्पति व अन्य ग्रहों का है। दोस्तों, जब कभी हम दिन के समय आसमान की ओर देखते हैं तो हमें एक लाल या सफ़ेद रंग का एक गर्म आग का गोला नज़र आता है और वह पिंड हमारा सूर्य है। दोस्तों, क्या आप इस पर यकीन करेंगे कि हम इंसानों की तरह भी ग्रहों पर भी तिल हो सकते हैं? शायद आपका इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है कि हम इंसानों की तरह ग्रहों, उपग्रहों व अन्य पिंडों पर भी तिल मौजूद होते हैं। लेकिन ये तिल हमेशा दिखाई नहीं देते, ये कई सालों में और बहुत कम दिखाई देते हैं, और इसके अलावा ये तिल कई रंगों के होते हैं। दोस्तों, हम आम लोगों की भाषा में ये एक तिल है, लेकिन वैज्ञानिकों और विज्ञान की भाषा में बात करें तो यह एक खगोलीय घटना है जो ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड के साथ होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये तिल हमें पिंडों पर क्यों दिखाई देते हैं या यह खगोलीय घटना किस कारण घटित होती है? यदि आप नहीं जानते तो हम बताते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बुध ग्रह परिक्रमा करते करते पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी, बुध व हमारा सूर्य तीनों एक ही कतार पर आ जाते हैं, तब मध्य में उपस्थित बुध ग्रह हमें सूर्य के किसी कोने पर नज़र आता है और इसी बुध ग्रह को तिल का रूप दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह की घटना को मर्क्यूरी ट्रांजिट कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुध पारागमन या बुध का पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरना। दोस्तों, हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना यानी कि सूर्य पर तिल का दिखना 100 सालों में 13 से 14 बार ही दिखाई देता है, और अंतिम बार यह घटना वर्ष 2006 में देखी गई थी। परंतु दोस्तों, यदि आप इस घटना को होते हुए देखना चाहते हैं तो आप इस घटना को अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री बताते हैं कि इसे सामान्य आँखों से देख पाना संभव नहीं है। इसे देखने के लिए सोलर फिल्टर वाली एक प्रकार की दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, और इस दूरबीन की मदद से ही हम मर्क्यूरी ट्रांजिट की घटना को देख सकते हैं। दोस्तों, यह घटना भारत में अधिकतम 2 घंटे 45 मिनट तक देखी जा सकती है, और शाम के समय सूर्य अस्त होने के कारण इसके दिखने का समय अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, क्या आप इस घटना को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, और क्या हमारे बढ़ते प्रदूषण के कारण इस घटना पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोन कोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।